In this module, we are going to study the assumption of consumer preference ordering under the title of the feasible set. Feasible set is basically that the conditions or the restrictions, or in other words, these are the viable options or the opportunities that are available with the consumer to achieve its objective function. तो इसको अगर हम एक तरफ कहें तो रेस्ट्रिक्शंस भी हैं और दूसरी तरफ यही हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन हैं जिसके तहत हमारा जो कंज्यूमर है वो डिसाइड करता है कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो माइट बी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो हो सकता है कि वो उसका कॉस्ट मिनिमाइजेशन का हो वो उसको हासिल करने के लिए जो वायबल ऑप्शंस यूटिलाइज करेगा वो उसका फिजिबल सेट और द अवेलेबलिट है तो पॉसिबल सोल्यूशंस के कम्बिनेशन को अगर हम देखें तो वो कम्बिनेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल पॉसिबल सोल्यूशंस इज बेसिकली द फ़िज़िबल सेट और ये वो फिजिबल सेट है जो उसकी ह्यूमन वांट्स या डिज़ायर को मीट करने के लिए होगा और इसको अगर हम देखें तो ये उसकी वैल्यूज़ की वो लिमिट है जिसके बियॉन्ड एक कंज्यूमर फर्दर मूव नहीं कर सकता सो फिज़िबल सेट इट कैन बी एक्सप्लेन बाई एनी लीनियर इन इक्वैलिटी एंड दिस लीनियर इक्वलिटी किस फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्ल करें तो एनी लीनियर इन इक्वेलिटी ऑफ दिस फॉम अब अगर हम इस में अगर देखें तो हम अगर दिस फॉर्म प्लस दिस फॉम इट शुड बी ग्रेटर देन बी या हम कहते हैं कि दिस प्लस दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी और इसी तरीके से अगर हम कहें कि ए नॉट एक्स प्लस ए वन वाई इज़ लेस देन बी और इसी फॉर्म में अगर हम कहें कि लेस देन और इक्वल टू बी तो ये हमारा कॉन्स्ट्रेंट कहलाएगा अब अगर हम इसी को देखें तो मैंने अभी इसमें कोई जनरलाइज्ड न्योट्रेशन इस्तेमाल नहीं की अदरवाइज़ इट कैन बी कि ये ए नॉट की जगह पे अगर हम कहें कि सपोज ए इज़ एक्सप्रेसिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स वन और इसी फॉर्म में अगर हम लगाएंगे तो ये हमारी कंडीशन बनेगी कि प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस और जो ए वन है अगर हम इसको कहें कि ये प्राइस ऑफ वाई है तो ये हमारा बन जाएगा ये वाली चीज़ प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई एंड मस्ट बी इक्वल टू बी एंड हेयर नाउ द बी इज़ दैट पैरामीटर ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस और इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो ये पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी सो बी इज दैट बजट सो एक्सपेंडिचर आइदर इट शुड बी लाइक दिस और हेयर और इट शुड बी लेस और लाइक दिस तो अगर हम इस फॉर्म में जब हम प्राइस या बजट की बात करें तो चूंकि ये ग्रेटर नहीं हो सकता इसलिए मैथमेटिकल फॉर्म में हमारी इक्वेशन ये भी कॉन्स्टेंट हो सकती है ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है क्योंकि पॉसिबल है कि हमने इसकी बजट की जगह पे हमने इसको मिनिमाइजेशन में या यूटिलिटी के फॉर्म में लेके जाना हो इसीलिए अगर हम कहें तो हमने इसको यहाँ इस से इस नोटेशन से सॉल्व नहीं किया था क्योंकि अगर हमने बजट की फॉर्म में या हमने उसकी उसकी कमोडिटी की वो क्वांटिटीज लेनी हो जो सेटिस्फाई कर रही हो तो हम उन कमोडिटीज़ को बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे तो उसके लिए हम कॉन्स्टेंट बनाएंगे सो मैथमेटिकली दीज फंक्शंस और एनी अदर फॉर्म जो इस फॉर्म में आएगी वो हमारा कॉन्सटेंट कहलाता है तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो बेसिकली ए नॉट कॉन्सटेंट है उसी तरीके से जो हमारा ए वन है वो कॉन्सटेंट है और जो बी है वो हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल को अगर हम इसी फॉर्म में लेते हैं कि हमारे पास अगर दो कमोडिटीज़ और उन दो कमोडिटीज़ में से अगर हम देखें तो उन दो गुड्स की हमारे पास प्राइसिज अवेलेबल हैं अब अगर हम उसको प्लॉट करते हैं तो व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इनटू टू क्वांटिटी क्वान्टिटी प्लस प्राइस ऑफ वाई इन टू इट्स कमोडिटी, तो ये हमारी टोटल जो है आइदर इट शुड बी लेस और इक्वल टू द टोटल मनी और द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इस फॉर्म में है और अगर हम कहें कि सपोज इट इज इक्वल में मैं लूँ तो ये पी एस ऑफ एक्स इंटू एक्स एंड पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम एंड एट एनी पॉइंट वेन वी से दैट वी आर कंज्यूमिंग ऑल द बजट ऑन द कंजम्पशन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन जीरो सो प्राइस ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एम एंड एक्स इज़ एक टू एम बाई प्राइस ऑफ एक्स तो ये हमारे पास ये वो वाला पॉइंट है जो कैलकुलेट हो गया जिसके ऊपर तमाम इनकम या बजट लगा के हम एक्स कमोडिटी परचेज करते हैं और उसी तरीके से अगर हम एम को टोटल यूटिलाइज़ कर देंगे इसी फॉर्म में आइदर वाई के लिए या एक्स टू के लिए तो उसकी प्राइस से हमने किया तो हमारे पास ये एक कमोडिटी आ गई तो ये जो दो एक्सट्रीम्स के पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो इस लाइन ने जो हमें कंप्लीट एरिया दिया ये एक फॉर्म में देखें तो यही हमारे पास कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट इन द फॉर्म के हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते इसके ये जो राइट right साइड है ये हमारे लिए एक तरह से इलाका है हम वहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हमारी इनकम या बजट से बियॉन्ड है एंड ये कॉन्स्टेंट के जो इंटरनल दीज ऑल द ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो हमारे पास ऑल अवेलेबल वाएबल ऑप्शंस हैं जिसमें कंज्यूमर का बजट अगर उसके लिए वो बिल्कुल ऑप्टिमल इस पॉइंट पे है वो ले सकता है और इसके अंदर भी चूंकि मौजूद जितने इंडिफरेंस कर्व्स के अवेलेबल ऑप्शन हम देखें तो वो सारी अटेन कर सकता है तो ये तमाम वाएबल ऑप्शन भी वो लेता है एंड ऑप्टिमली वो उस कर्व को भी अटेन कर सकता है जिसके साथ उसका ये फ़िज़िबल सेट जो है वो टेंजेंट होता है इसलिए जो अगर हम देखें तो इसकी पहली कंडीशन में हम देखेंगे तो बजट आइदर इनकम से जो है एक्सपेंडिचर लेस और इक्वल होना चाहिए और उसी फॉर्म में अगर हमने देखें तो अगर उसी पॉइंट को हम हल करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर हम जिसट्रा ऑलरेडी अज्यूम कर चुके थे कि हम टू गुड्स केस लेंगे या टू गुड्स की बजाय अगर हम एक गुड जिसको हमने सामने रखना होगा या जिसका एनालिसिस देखना होगा हमने उसको लिया सपोज इस फॉर्म ने हमने लिया एक्स टू तो जो दूसरी गुड है उसको हम कहेंगे ऑल अदर गुड्स तो ऑल अदर गुड्स के तहत अगर हम रूल में देखें तो आइदर एक्स टू को हमने परचेज कर लिया और एक्स टू के अलावा अब जो बाकी सारे का सारा बजट है वो उसका लग गया एम मनी माइनस अगर अब हम देखें इसी को मैं सॉल्व करूं, तो ये हमारे पास हमारे पास इस फॉर्म में आ गया कि प्राइस ऑफ वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू लाइक दिस एम एंड फ्रॉम हेयर अब ये वाली फॉर्म जब इधर गई और हम इक्वली दोनों साइड से माइनस कर दें एम माइनस पी वन एक्स वन अब इधर से ये कट हो गया तो ये आ गया हमारे पास पी टू एक्स टू लाइक दिस एम माइनस पी वन एक्स वन एंड अब इसमें से जब हमने p को मूव करके उधर लेके जाना है तो हमने डिवाइड किया तो x2 रह गया और m माइनस पी वन एक्स वन डिवाइड बाई पी टू सो कमोडिटी एक्स टू का एक्सपेंडिचर एंड द रिमेनिंग दैट पार्ट दैट इज कंज्यूम्ड ऑन परचेजिंग ऑफ ऑल अदर गुड्स अदर देन एक्स टू तो वो हमारे पास इस फॉर्म में सारा कुछ सामने हमारे आ गया और इसी तरीके से अगर हम एक दो तीन चार जितने भी बंडल ऑफ गुड्स हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कमोडिटीज हों तो अगर हम उनको ज्यूम करें कि ये वन से एन तक ला तादाद हमारे पास हो, तो एनालिसिस के लिए क्योंकि हम एक दफा में एक ही चेंज को ही काउंट कर सकेंगे एंड इन द फॉर्म ऑफ मार्शिलियन अप्रोच अगर या हम कहें कि कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, या सेट्रस पेरिबस के रूल को अप्लाई करेंगे तो एक ही चेंज को देखते हुए उस वक़्त हम बाकी सब की तमाम की जो बाकी अमाउंट्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं तो अगर हम एक्स टू को लेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन और अब चूंकि इक्वेलिटी है तो हमारी उस पर कन्वर्ट हुई और हमने कहा अगर हमने एक्स वन के लिए लेंगे देखिए यहां हमने एक्स टू के लिए ली थी अब अगर हम एक्स वन के लिए लेंगे तो एक्स वन के लिए रख के हमने कहा तो ये ऑल अदर थिंग्स को हम इस साइड पे ले गए अब इसी फॉर्म में जो बजट लाइन की स्लोप को अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किए थे तो वो इसी स्लोप पे अगर हम चेंज ऑफ वाई के एक्स एक्सिस पे जो चेंज है तो अगर हम उसको देखें तो जो वाई एक्सिस के ऊपर जो चेंज है अब अगर हम देखें ये ज़ीरो से एम बाई पी टू है तो मैं अगर इस चेंज को शो करूँगी तो हम कहेंगे दैट विल बी एम डिवाइड बाई पी टू एंड एक्स एक्सिस पे ये ज़ीरो से एम बाई पी वन है तो दिस डिवाइड बाई एम बाय पी वन है तो एम बाई पी टू मल्टीप्लाई बाय इन्वर्ट हमने किया उसको एम हो गया तो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन अब हमारे पास आई पी वन बाय पी टू और इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो जो हमारे पास स्लोप है बजट लाइन की वो हमेशा इन्वर्ट्स ऑफ प्राइस रेशो होगा और यही हमारे पास अगर हम देखें तो ये देखें माइनस पी वन और पी टू एंड अगेन ये जो माइनस का साइन है वो उसकी नेगेटिव स्लोप को एक्सप्रेस कर थैंक यू